दोस्तों आपका स्वागत है जन्नत ग्रुप में, मैं आपका दोस्त। आज हम कर रहे हैं अनबॉक्सिंग लेनोवो 7 टैब की, जो गुजरात सरकार द्वारा दिया जाता है हर एक फर्स्ट ईयर में पढ़ने वाले स्टूडेंट को। और यहाँ पे आप देख सकते हैं लेनोवो का 7 टैब आता है, जिसमें बहुत सारे फीचर है। आप देख सकते हैं यहाँ पे डॉल्बी एटम साउंड भी दिया जाता है और एंड्रॉयड 7 पे चलता है ये टैबलेट। इसकी आप बैटरी देखोगे तो 3500 mAh की बैटरी है, जो करीबन पूरे दिन भर का आपको बैटरी बैकअप दे देगी। और यहाँ पे आप रैम की बात करें तो 2 GB की DDR3 रैम दी जाती है, और यहाँ पे स्टोरेज की बात करें तो 16 GB की मेमोरी स्टोरेज है। ठीक है, तो इसके बाद हम अनबॉक्सिंग करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। और यहाँ पे हम इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, पहले इसको खोल लेते हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें पहले मिलेगा ये टैब है, इसको हम हटा देते हैं, इसको हम साइड में रखते हैं। और देखते हैं यहाँ पे हमें यूज़र गाइड मिलेगी, जो लिनोवो की तरफ से आती है, मैनुअल ग्रिप है और सब यहाँ पे लिखा है कि इसको कैसे यूज़ करते हैं। और देखते हैं यहाँ पे एक चार्जर मिलता है हमको, जो लिनोवो की तरफ से आता है, और इसके साथ उसका एक केबल भी है। और उसके साथ यहाँ पे हमको ईयरफोन भी मिलते हैं लिनोवो की तरफ से, चीप क्वालिटी है लेकिन अच्छा है। अब चलिए देखते हैं, तो यहाँ पे हमने इसको ऑन कर दिया है, राज्य सरकार टैबलेट योजना जो नरेंद्र मोदी द्वारा दिया जाता हुआ है हर एक स्टूडेंट को, हमारे मुख्यमंत्री विजय रूपाणी साहब। थोड़ा चालू होने में समय ले रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका बटन दिया गया है, पावर अनलॉक बटन, और ये वॉल्यूम रॉकर की है दोनों तरफ से, दोनों ही 7 बटन दिए। और पीछे ग्रिप अच्छी है इसकी, और देखिए ये चालू हो गया हमारा, अब स्टार्टअप हो रहा है। और यहाँ पे ऊपर की तरफ देखते हैं तो यहाँ पे चार्जिंग पोर्ट दिया गया है, और यहाँ पे वॉल्यूम रॉकर बटन सब कुछ दिया गया है। और वो उसकी डिज़ाइन बहुत अच्छी है, यहाँ पे फ्रंट में इसका कैमरा है, और यहाँ पे डॉल्बी एटम साउंड दोनों साथ में दिया गया है, एक स्पीकर है यहाँ पे आप देख सकते हैं, और यहाँ पे नॉइस कैंसलेशन भी दिया गया है। बढ़िया, दिखने में बढ़िया टैबलेट है, फैबलेट की तरह दिखता है, काफ़ी हल्का है वजन में, बढ़िया ग्रिप है इसकी। चलिए इसको एक बार, शायद बैटरी नहीं है इसमें, और यहाँ पे चालू हो गया है। और आप देख सकते हैं ये इसका यूजर मेनू है, और देख सकते हैं यहाँ पे एंड्रॉइड 7 पे चलता है हमारा। इसका कैमरा हम देखते हैं कैसा है, यहाँ पे फ्रंट पे 2 MP का कैमरा है और पीछे 5 MP का कैमरा है, काफ़ी अच्छा रिजल्ट है इसका। और देखते हैं हम इसकी पिक्चर क्वालिटी, ठीक ठाक है इसकी पिक्चर क्वालिटी, लेकिन 1000 रुपये में मिल रहा है तो काटे का सौदा नहीं कह सकते। और देखते हैं इसकी एंड्रॉयड सिस्टम, ये 7 पे चल रहा है, एंड्रॉयड 7 नोगट पे देख सकते हैं आप यहाँ पे। और इसमें 2 GB की रैम दी गई है, 16 GB की मेमोरी है, IPS डिस्प्ले दी गई इसमें, तो एक बढ़िया है, दिखने में अच्छा रिजल्ट है इसका। और आप देख सकते हैं ओवरऑल इसकी परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया है और काफ़ी अच्छा है, पीछे से काफ़ी अच्छी इसकी ग्रिप है। और आप देख सकते हैं कि ये टैबलेट 1000 रुपये में मिल रहा है सभी स्टूडेंट को, और इसमें ज़्यादा बैटरी भी नहीं है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे इसमें बहुत सारे फीचर ऑलरेडी लोडेड है,
तो ये है हमारा लिनोवो का टैबलेट, काफ़ी बढ़िया बनाया है और काफ़ी अच्छा दिखने में। 1,000 रुपये की टोकन में मिलता है ये टैबलेट, तो घाटे का सौदा नहीं कह सकते हम, सभी स्टूडेंट को मिलता है जो फर्स्ट ईयर में है अभी। आई होप आपको पसंद आया होगा ये हमारा वीडियो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाल आइकन बटन पे क्लिक कीजिए, और लाइक करना मत भूले दोस्तों, और शेयर भी कीजिए हमारे वीडियो को। और ऐसे आगे हम आपको वीडियो भेजते रहेंगे, तो इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से। थैंक यू।